नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। लगातार बारिश के चलते असम में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पानी बढ़ा हुआ है और स्थिति भयावह है। जगह जगह से वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर वहां के लोगों की मुसीबतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। असम के 28 जिलों में इस साल करीब 19 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 55 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के चलते कई घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, उनका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। लोगों को एक जगह से कहीं दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के लिए कई ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। असम के होजाई जिले से खबर थी कि बाढ़ प्रभावित लोगों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई, जिसमें सवार 21 लोग बचा लिए गए, लेकिन 3 बच्चे लापता हो गए हैं। असम का बजली जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां बाढ़ की वजह से कुल 3.55 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके बाद दरांग में 2.90 लाख लोग इस बाढ़ से पीड़ित हैं। कुल मिलाकर 43,338.39 हेक्टेयर फसल भूमि पानी पानी हो चुकी है। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 54 राहत शिविर स्थापित किए हैं और जिले के लगभग 16,000 बाढ़ पीड़ित इन शिविरों में रह रहे हैं। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।